हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से गुड न्यू ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में काइंड ऑफ एक मीटअप होने वाला, मतलब हमारा एक ग्रुप है कुछ दोस्तों का, कुछ कलीग्स का, तो हम सब मेरे घर पे मीटअप कर रहे हैं और मैंने सबको इनवाइट किया और कुछ कुछ और चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। तो इनवाइट किया तो खाना तो बनाना पड़ेगा, तो हमने प्लान किया वही अपनी राजस्थानी स्पेशल डिश दाल बाटी चूरमा। और दाल बाटी चूरमा पर मेरी हेल्प कर रही है मेरी वाइफ, ओबीसी होगी, मेजर काम वही रोल बनाएगी, उस मेजर रोल उसका ही रहेगा, मैं तो बस एक असिस्टेंट हूँ, मुझे इतना बनाना आता भी नहीं है। और दूसरा हमारा सबसे बड़ा असिस्टेंट जो हमारा आज का सेफ है वो है टूटू, जो बिगाड़ रहा है बना रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन काम पे लगा हुआ है हम अपनी मम्मा के साथ में। और इधर दाल बाटी चूरमा में चूरमे की तैयारी हो रही है और इधर दाल भी हो दी गई है। इस बाल्टी के अंदर क्या बन रहा है? अच्छा ये बाटी, ओह माय गॉड, आटे की बाटी खाली मतलब राशन खत्म। और टूटू क्या तेरी क्या तैयारी है? टूटू नहा धोके तैयार है, बस और कोई तैयारी नहीं है। तो छोटी 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 क्लिप्स में दिखाता रहूंगा। तू क्या कर रहा है नीचे, क्या कर रहा है, ये कौन से पोज दे रहा है? और ये है बाटी पकाने का कुकर जो कि चालू हो चुका है, अब मैं दिखाता हूँ उसमें क्या पक रहा है। ऑब्वियसली उसमें बाटी पक रही होगी, हाँ फिर भी क्या पता कुछ क्रिएटिव निकल जाए। ओह माय गॉड, ये क्या पक रहा है टूटू, ये क्या पक रहा है टूटू, टूटू सॉफ्ट है, ये क्या पक रहा है? इसमें तो टूटू के सारे शेर हाथी घोड़े, देख बेटा देख, ये क्या पकाया जा रहा है बाटी की जगह है? हैं अभी बता तू कैसे खेलेगा? आई अभी क्या करने का है? दे 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 तेरे को सारे। तो आटे के बाद में पहले स्टेप पे चूरमे के लिए जो इनको बाटे या फिर जो भी आप बोलो ये तैयार है, इनको हम पकाएंगे पहले कुकर में और फिर इनको क्या करेंगे, फिर इनको चूरमा कैसे बनेगा? मिक्सी में ग्राइंड करेंगे, फिर इनको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे तो फिर वो बारीक बारीक हो जाएगा, फिर उसमें घी मिलाएंगे, उसमें ड्राई फ्रूट मिलाएंगे थोड़े बहुत और उसमें चीनी मिलाएंगे और चूरमा बन जाएगा। तो स्टेप वन चल पड़ा है, स्टेप टू के अंदर हम बाटी बनाएंगे और स्टेप टू में बाटी के साथ में हम खिचड़ी में चूरमा भी बनाएंगे। क्या खिचड़ी हो गई है, बाटी के साथ में दाल भी बना लेंगे, बाकी पता नहीं क्या कुछ बन सकता है तो देखते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि आटा खत्म हो गया, घर से पूरा लाया हुआ आटा है, कोई आशीर्वाद कोई ये पतंजलि का आटा नहीं, घर से लाया हुआ आटा है। तो आटा हमने पूरा निकाल लेंगे, बाकी बेटा कितना लाऊं आटा, पूरा भर लाऊं, आधी कर लूं, आधी खा लेंगे अपन 7-8 दिनों में। अरे तो क्या जरूरत है, तो काम आ जाएगा बाद में। चल ठीक है भाई, ये है अपना देसी आटा अपने खेत में बना हुआ, कपड़े की चक्की से बनाया हुआ, क्योंकि यहाँ मैं पहले गेहूँ लाया था उसका मैंने आटा बनवाया, तो पता नहीं क्या यहाँ की चक्की में कुछ इश्यू था या क्या था, उस आटे में कीड़े से पड़ गए और मेरा दिमाग खराब हो गया, मतलब ये पूरा ये कंटेनर ये बाल्टी है ये पूरी भरी में खराब हो गई थी, मतलब उसको फेंकना पड़ा। तो इस बार मैंने कोई रिस्क नहीं उठाया गेहूँ में अपने और कुछ आगे लाया भी घर से, कोई रिस्क नहीं, अभी इसमें रहेगा जितना काम मिलेंगे उतना इसमें डाल देंगे बना दे जाएंगे। घी भी खुद का है, दाल भी खुद की है, आटा भी खुद का है, बस चीनी खरीदी हुई है, पूरा देसी टेस्ट होने वाला, देखते हैं दोस्तों को पसंद आता है कि नहीं आता है। ये ठीक था, गेस करो ये क्या बन रहा है, ये क्या तैयारी हो रही है? चलो मैं बता ही देता हूँ। तो दाल बाटी के साथ मेरी वाइफ ने सोचा कि चलो कुछ और भी बना लेते हैं, तो ये हम बना रहे हैं बेसन गट्टा, और बेसन गट्टा भी टिपिकल अपने राजस्थानी मेथड से, मतलब ये बहुत तीखा सा होता है और ग्रेवी होती है इसमें, और साथ में फिर अगर बेसन गट्टा बनता है तो फिर हम सब्जी या पूड़ी में या रोटी या पूड़ी में से कुछ ना कुछ ज़रूर बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा मीनू को हमने एक्सपांड किया है। बाटी तैयार हो चुके हैं, इनको ग्राइंड करेंगे और इसके अंदर बनाएंगे अपन ड्राई फ्रूट्स, चीनी, घी, ये सब जो सब मिलकर बन जाएगा चूरमा। तो चूरमे के बाद में इसी कुकर के अंदर अपन बाटी बनाएंगे, दाल अलग जगह बना लेंगे, रायता और गट्टे की सब्जी, उसके अलावा देखो क्या क्या बनता है, देखो करने वाले वो लोग हैं, अपन बस वीडियो बना रहे हैं।
अब हम बना रहे हैं खट्टी, लाइक बेसन की खट्टी, यू कैन सी। और मेरी साथ तड़का हो जाए, तड़का बन गया ना वो तड़का, और जो करी होती है इसकी वो बना रही है। और उसके बाद में आगे क्या करना होता है अपने को नहीं पता बाबा, बट जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। दिखने में बड़ी अच्छी अच्छी स्मेल आ रही है, जैसे कि उनको अभी हमने ग्राइंड तो नहीं किया लेकिन अच्छी स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। और बीच में टाइम मिली तो बना लिए और एक बढ़िया सा चाय बनाएंगे, और चाय भी इसलिए बनाएंगे। कॉल किसका आया भाई? और चूरमा फाइनल स्टेज पे ऑलमोस्ट बन चुका है, और टूटू भी एक नींद का लेप निकाल चुका है। अरे टूटू को तो ब्लर हो रहे भाई, फोकस सारा तेरी मम्मी पे जा रहा है। और चूरमा बनके तैयार है फाइनली। फाइनली वर्ड जैसे आता है ना मेरा दिमाग तो घिस जाता है, लेकिन आ ही जाता है बेचारा। फाइनली वर्ड कहाँ जाएगा, एकदम टेक्सचर मस्त है। ड्राई फ्रूट डल गए इसमें भाई, चूरमा तो एक नंबर देख के लग रहा है, मज़ा आ जाएगा। अभी देखते हैं दाल बाटी में, मुझे लग रहा है गट्टे की सब्जी भी बन गई ना। हाँ, और दाल और बाटी बाकी है। और दोस्तों एक कॉल आने शुरू हो गए कि भाई कब आना, मैं भाई तुरंत आओ तुरंत, अगर ब्लॉग में आना है तो तुरंत आओ। चलो ठीक है, अब ये क्या प्रिपरेशन हो रही है, बाटी का आटा, और उधर कुकर में दाल चढ़ चुकी है, इधर बाटी का आटा बन रहा है। और इसके बाद बस ये दो चीजें बाकी है। हाँ पूड़ी, उसका आटा फिर से लगाना पड़ेगा। हाय राम, इतना इजी भी नहीं होता घर पे ट्रीट देना। ओके, और बाटियां चढ़नी शुरू हो गई है, और पहला गैस खटाना खटाना आ चुका है। और टूटू ने इसी दौर के बीच में टूटू ने छोटी सी नींद की चपकी निकाल ली है। क्या टूटू समझने लग गया कि हाँ मेरी वीडियो बन रही है। दौर से देखता रहा, कैसे देख रहा है। हाँ वही तो, आगे समझने लग गया भाई, टाइम पे सब समझने लग जाते हैं बच्चे। ये तेरे से बड़ा यूट्यूबर बनेगा देखना। उसमें कोई नुकसान नहीं है। अब टाइम पास तो कुछ हो नहीं रहा, सोच रहे क्रिकेट ही खेल लें क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है, तो विकास करेगा बॉलिंग, मैं करूंगा बैटिंग, और सुरेश जी करेंगे फील्डिंग, और खटाड़ा एम्पायर, और टूटू दर्शक है, और बॉल भी छोटी मोटी नहीं, इतनी बड़ी बॉल है। तू जहाँ बैठा था वही बैठा है। अपने स्किल्स का पूरा इस्तेमाल और स्ट्रेट ड्राइव किया। एम्पायर को और उसको बैट्समैन को क्या फील्डर को कोई मतलब नहीं है। और सुनील कुमार की तरफ ओ बाउंस आ गए, देखा सर देखा। भाई साहब सूर्य के बाहर आ गया, ऐसे भी खेल लिया, ऐसे भी खेल लिया। नो बॉल, नो बॉल, फ्री फ्री फ्री, हां फ्री चाहिए। ओ दस को भी डिवाइड कर, हां ओ कम ब्रो, वो नया बॉल कर सके। लो लो बॉल में फेंक दो, फेंक दे के जल्दी, हम फेंक के नहीं खेलेंगे। चलो खेलो जाके, बारी आ गई। और इतना सारे क्रिकेट खेल के हम थक गए, हमसे ना हो पाएगा। चाय पीते भाई, चाय ब्रेक। आ जा आ जा, तेरे सामने आ जाओ, मैं क्या पहचान। गर्मा गर्म चाय रेडी है, महीना फिर जाएगा, और हम पीने वाले अब चाय। आप देखो ये, आप सिर्फ देख सकते हो, हाथ धोने के लिए आना पड़ता है इधर। ये लड़कियां कोई नहीं आ रही क्या? लड़कियों के होते भैया नखरे, और ये 5 मिनट में बोलने पर को भूल जाते हैं, इनको बोलते हैं दोस्त। तो लड़कियों, और ये हमारी चाय। बाटी ऑलमोस्ट बन चुकी है, दाल ऊपर का लग रहा है,
खाने वाले कम लोग आए, जिनकी नसीब में खाना है वो आए, जिनकी नसीब में नहीं है। एक ये है, इसको कोई मतलब ही नहीं है दुनियादारी से, लगा हुआ अपने दिल में। एक तो अभी लग रहे हैं, इनको थकान आ रही है, बहुत थकान लग रहा है, काफी नहीं है यार। और ये अफगानिस्तान की ट्रू सपोर्टर, अफगानिस्तान के क्रिकेट के सपोर्टर है, अफगानिस्तान की हरकतों के सपोर्टर नहीं है, कोई भी गलत ना समझे। और ये एक आतंकवादी मेरे घर में भी, इसका क्या करूं? ओ रुकना भाई, क्या ढूंढा तूने? सिस्टम पाड़ देंगे भैया, नई सरकार बनाएंगे। ठीक है ठीक है, वो एकदम परफेक्ट है। मेरे बगल में आसपास रहते हैं वो सारे दोस्त आ चुके हैं, उसके अलावा संगरूर से तीन लोग कोने में बैठा काला और स्पेशल गेस्ट विकास का कलीग भी एक तरह से प्रदेश में सारे भी हो सकता है वॉइस कवर का बस लेकिन नहीं हो पाई तो भाई राजस्थानी थाली तैयार है हमारी, दाल पूड़ी चूरमा बाटी चटनी। अरे उसको तो आज का जो मीटअप था, जो खाना पीना था, हमारी डिनर पार्टी थी, जो भी था सब खत्म होता है। अब ये सब अपने रूम पे जा रहे हैं, अपने झोले उठा उठा के, और कल में जो भी प्लान है वो दिखाता हूँ कल के लोग में। तब तक के लिए बाबा टेक केयर, लाइक रेस।